हेलो गाइस, वेलकम बैक राज टेलर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मशीन का जो शटल होता है वो शटल लगाना बताएंगे और मशीन की टाइमिंग करना बताएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे जैक मशीन की टाइमिंग सेट करूँगा, यानी कि जैक पे मशीन पे शटल लगा के बताऊँगा। दोस्तों, मैं लगभग 3 साल से लगातार यूज़ कर रहा हूँ, अब उसके शटल में दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो शटल मैं खुद से चेंज करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से शटल चेंज करते हैं, कैसे उसकी टाइमिंग वगैरह सब सेट करते हैं। आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और शटल लगाना और उसकी टाइमिंग जो होती है प्रॉपर आप करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों, ये है अपने पास जैक का न्यू शटल, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। दोस्तों, ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो आपके अगर शटल में दिक्कत आ गई हो तो। तो दोस्तों, ये लगभग 800 से 1100 की रेंज में मिल जाते हैं। जैसे आप जापानी यूज़ करो या कुछ और करो, या अच्छे वाला कोई शटल यूज़ करो, उसी हिसाब से इसका रेट कम ज़्यादा होता है। अब शटल चेंज करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ये पटड़ी खोलनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसलिए थोड़े वीडियो को तेज़ किया हुआ है, यानी कि स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की। तो अब दोस्तों, इस पटड़ी को हटा लेंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से इसको खोला नहीं है तो ये थोड़ा हटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो, इसको हटा लिया। अब इस पत्ती को भी पीछे कर लेंगे। अब दोस्तों, जो इसकी ये तंत्राल होती है, इसको भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी खोल लिया है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा हल्का वीडियो को तेज़ किया हुआ है। बाद में जब अपनी इसकी टाइमिंग करेंगे, उस टाइम पे आपको प्रॉपर बताएंगे एक एक पॉइंट। तो अब इसको सुई को बाहर निकाला और इसको तंत्राल को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, इस तरीके से है। अब दोस्तों, अपना ये शटल है जो पहले लगा हुआ है, अब इसको खोलना है। उसके लिए पहले शटल को रोकने के लिए एक पत्ती लगी होती है नीचे की साइड से, अब उसको खोलेंगे। पहले मशीन को इस तरीके से ऊपर उठा लिया। ये देखिए दोस्तों, इस पत्ती को खोलना है, ये वाले नट को। तो अब दोस्तों, इसको अच्छे से खोल लेंगे इस तरीके से। दोस्तों, ये पेचकस कम नहीं कर रहा, तो मैं दूसरे पेचकस की मदद से खोल लूंगा, क्योंकि ये दोस्तों काफी अच्छे से कसा होता है नट बोल्ट। तो अब इस तरीके से इसको मैं अच्छे से खोल लेता हूँ। दोस्तों, ये पत्ती को खोलने के बाद में ही अपना शटल चेंज होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपकी मशीन धागा काटती है और मतलब कि टाप करती है, टांका छोड़ती है, तो आप इस तरीके से मतलब उसको सही कर सकते हो। ये पत्ती खुल चुकी है, अब इसके आगे अपने शटल को खोल लेंगे। दोस्तों, टाइमिंग में किन के प्रॉब्लम होती है वो इस वीडियो को देखें और सीख लें। मैं दोस्तों, अब ये पत्ती खुलने के बाद में अब अपने इस शटल को खोल लेंगे। इसके दोस्तों 3 पेच होते हैं, ये देखिए, इनको इस तरीके से खोलना है। इसको लूज कर लिया, इसको अब सेकंड वाले को लूज करेंगे, इनको लूज करने के बाद में खोल लेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं इसमें आपको मशीन की सिलाई करके भी दिखाऊंगा अंत में कि किस तरीके से न्यू शटल लगाने से सिलाई होती है। अब ये शटल को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, शटल कुछ इस तरीके से कस चुका है और पुराना भी काफ़ी है। ये देखिए, ये 7 वाला ही है, जो जैक के साथ में शटल लगा हुआ था वही है। अब दोस्तों, ये न्यू शटल है अपना, जो अभी अनबॉक्स किया था। अब इसको इसके अंदर लगाना है इस तरीके से, अच्छे से करते हुए ऐसे प्रॉपर सही करते हुए शटल को डाल लेना है अंदर इस तरीके से। इनको थोड़ा लूज कर लेते हैं ताकि ये शटल पूरा अंदर आसानी के साथ चला जाए। अब दोस्तों, ये शटल अंदर जाने के बाद में अब अपने वही पत्ती लगानी है वापस, जो पहले खोली थी अपने। अब इस पत्ती को बिल्कुल सेम जगह पे उसी तरीके से लगाना है। ये पत्ती को लगा लिया, अब इसका जो नट है उसको कस लेंगे, लगा लेंगे इस तरीके से। इसको अच्छे से कस लेना है, जैसे खोला है बिल्कुल वैसे ही सेम वही जगह पे कसना है इसको। दोस्तों, आप इस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा पूरा, जिससे कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो पाए कि किस तरीके से
आप टाइमिंग अपनी मशीन की सेट कर सकते हो अपने खुद से ही, आपको किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप दोस्तों जैक हो, जुकी हो, कोई सी भी मशीन हो, अगर आप अम्ब्रेला यूज़र हैं तो अम्ब्रेला वाले भी इस वीडियो को देखकर टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, शटल रुकता है उस पत्ती के मदद से, ये देखिए उसमें हल्का सा कट बना होता है और शटल में भी कट होता है, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से टाइमिंग रहती है इसकी। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि आपकी जो सुई निडल होती है वो ऊपर की साइड में जाती है, जब उस टाइम पे बिल्कुल ये शटल की नोक होती है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब ये मैंने एक बार लगाया आप लोगों को बताने के लिए, ये देखिए अब लग रही है सुई से ये नोक, यही टाइमिंग होती है मैन, इसको ही सेट करना होता है। अब इसको हल्का लूज कर लेंगे और इसको घुमा लेंगे, जब आपकी निडल ऊपर की साइड में आ रही हो, बाहर की साइड में आने वाली हो, उस टाइम पे ये नोक बिल्कुल बराबर आनी चाहिए इसके। आगे देखते रहिए, मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप टाइमिंग अपनी मशीन की प्रॉपर सही कर पाएँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, यानी कि जो निडल है अपनी सुई है उससे ये नोक टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल पास में। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल पास में से गुजरनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर पास में से, जो निडल में कट होता है बिल्कुल उसके बराबर से गुजरनी चाहिए, जिससे कि आपकी टाइमिंग प्रॉपर होगी, धागा पूरा उठाएगी। अगर ये आगे पीछे होगा तो आपकी सुई टूट सकती है और धागा भी नहीं उठाएगी प्रॉपर हर बार, जैसे कि फिर उसमें धागा काटने की प्रॉब्लम होगी और धागा टूटने की प्रॉब्लम होगी, टांका छोड़ने की प्रॉब्लम होगी। अगर आपने ये प्रॉपर सही टाइमिंग इस तरीके से बैठा ली, ये देखिए अब एक बार फिर से देखिए, इनको हल्का हल्का कस लेंगे एक बार ताकि ये आगे पीछे ना घूमे। अभी आपको फिर से दिखाऊंगा कि टाइमिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रॉपर बिठाई जाती है। यहाँ पे देखिए अब एक बार मैंने इसको कस लिया है थोड़ा, अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए टाइमिंग, इनको मैंने एक बार थोड़ा हल्का कस लिया है, सभी जो पेच हैं इसके जो नट हैं उनको अच्छे से मैंने एक बार कस लिया। अभी एक बार चेक कराएंगे आप लोगों को, समझाएंगे कि क्या टाइमिंग मेन रहती है। ये देखिए दोस्तों अब विस्तार से देखिएगा, ये मैंने मशीन को चला लिया है ताकि जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि आपका शटल निडल के साथ लग रहा है या नहीं लग रहा। इसमें नहीं लग रहा, प्रॉपर एकदम सही लग चुका है, टाइमिंग जो है प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, ये देखिए दोस्तों निडल में जो कट होता है उसके, ये यहाँ पे अब इसको कस लेंगे तंत्राल को वापस अपने उसी तरीके से जैसे इनको खोला था। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे टाइमिंग किस तरीके से की जाती है मशीन की। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि टांका छोड़ती है मशीन, या कोई दिक्कत हो तो आप प्रॉपर बात कीजिएगा, मैं उसका सलूशन आप लोगों को बताने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। अब इस तंत्राल को वापस कसने के बाद में इस फटड़ी को भी वापस कस लेंगे, इस बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे इसको खोला था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग देख पाएँ। दोस्तों कटिंग स्टिचिंग के अलावा भी आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे, जैसे कि अपने स्टिचिंग की लाइन में फेस करते हैं जो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब कुछ बताएँगे। अब दोस्तों ये फिरकी को वापस लगा लेंगे, बॉबिन को वापस से लगाएँगे, आप लोगों को टांका चेक करवाते हैं। दोस्तों मैंने किसी मिस्त्री के पास नहीं जाने की ज़रूरत समझी, क्योंकि नॉर्मली अपने शटल चेंज ही तो करना था मशीन का। अब इसको लूज कर लेंगे धागा को, वापस से धागा लगाएंगे मशीन में जैसे लगाते हैं इस तरीके से और ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से ये धागे को लगा लिया प्रॉपर,
अब सुई से निडल से निकाल लेंगे धागा। अब अपने धागा उठा लिया है मशीन ने, अब अपने सिलाई करके दिखाएंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें टाप वगैरह कर रही है या नहीं कर रही। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल सामने ही अपने टाइमिंग इसकी बिठाई है, सेट की है, सेटल न्यू लगाया है। अब इस पे ये मैंने सिलाई कर ली। टांका आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सिलाई है, इसमें देख लीजिए कहाँ पे टांका छोड़ा है इसने। इसमें कोई टांका नहीं छोड़ा क्योंकि इसकी टाइमिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है, बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा टांके को सेट करते हुए और सिलाइयाँ लगा के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि टाइमिंग अपने खुद से भी सही कर सकते हैं। किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो बहुत सारा चार्ज कर लेता है अपने से। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी ही।